हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करेंगे कि जिसे बिगिनर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये पेड़ एक ऐसा है, अगर आप बिगिनर हो और आप फर्स्ट टाइम अगर पेड़ ला रहे हो तो भी आप सिंगोनियम खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी केयर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपने सबसे पहले कोई पेड़ नहीं लगाया तो भी आप इस पेड़ को लगा सकते हो, क्योंकि इसकी जो केयर है वो बहुत ही ईजी होती है और इसको मेंटेन करना बहुत इजी होता है। आप जैसे गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपका फुल सपोर्ट करेगा आपकी गार्डनिंग में, जस्ट बिकॉज ये ख़राब नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में ख़राब होता है। आप इसे जैसी भी सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, जैसे भी आप इसे रखते हैं, बस हमें थोड़ी बहुत कुछ बातों की ध्यान रखनी होती है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको इसे कैसे संभालना होता है। बाकी इसे आप बहुत आसानी से संभाल सकते हैं और ये पौधा दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोस्टली इसे सब नर्सरीज में सिंगोनियम नाम से ही जाना जाता है, पर इसका एक और नाम भी है, एरोहेड। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम एरो के जैसे ही दिखता है, इसकी जो पत्ती है वो बिल्कुल एकदम ऐसी और पीछे से बिल्कुल एरो के जैसे ही दिखती है, तो इसलिए इसे एरोहेड भी बोलते हैं। पर आप जब भी नर्सरी में जाएं इसे खरीदना हो तो आप उसे सिंगोनियम बोलेंगे नर्सरी वाले को, तो नॉर्मली वो आपको समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो इस प्लांट को पहचानना बहुत ही ईजी है। इसकी जो पत्ती है वो मोस्टली मनी प्लांट के जैसे ही दिखती है, पर इसमें जो पीछे से दो अलग से ऐसे सींग से इसमें निकले होते हैं, जो कि इसमें बहुत अच्छे लगते हैं और इसका जो लुक है उसको बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं पेड़ दिखने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ बहुत ईजी टू केयर है, तो ये हर गार्डनर का फेवरेट प्लांट होता है। तो अब हम इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बता देता हूँ कि आपको कितने से कितने तक के बीच मिल जाएगा। तो नॉर्मली ये एक कॉमन वेराइटी है जो हर जगह आपको मिल जाती है, वैसे इसमें काफ़ी ग्राफ्टेड वेराइटीज़ भी आती है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। तो ये नॉर्मली 30 रुपये से स्टार्ट होता है और आपको लगभग 100-150 तक, जो आप अलग अलग रेंज में लेना चाहेंगे उस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो आप बहुत ही आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी है और साथ ही साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस भी है। तो अब हम सबसे पहले इसके सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं कि हमें इसके लिए कैसा सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करना है। तो जो सॉइल मिक्सचर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसके लिए क्या क्या ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मैं सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने पुराने गमले से ही मिट्टी ली है जिसके अंदर ऑलरेडी सैंड और कोकोपीट मिक्स है। तो मैं इसके अंदर सैंड और कोकोपीट मिक्स नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आप पुराने गमले की मिट्टी यूज़ करें तो उसको धूप जरूर लगा ले। मैंने इसको अच्छे से धूप लगा ली है तो आप देख सकते हैं यार अच्छे से पोरस हो चुकी है। तो मैं इसमें कोकोपीट और सैंड तो मिक्स नहीं करूँगा और मैं इसमें कंपोस्ट जरूर मिक्स करूँगा। तो ये जो कंपोस्ट है मैंने कंपोस्ट के ऊपर भी फुल वीडियो बनाया था, तो आप वहाँ जाके कंपोस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं इसमें कंपोस्ट मिक्स करूँगा। वैसे जो सिंगोनियम है वो एक नॉर्मल पौधा ही है, तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं बिगिनर्स के लिए अगर बेस्ट है तो ऑब्वियसली इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सॉइल भी आप इसे जैसी भी सॉइल देते हैं लगभग उसमें मैनेज कर ही लेता है। पर हाँ, आप ये ध्यान रखें कि इसकी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा सोगी ना हो, तो आपका सिंगोनियम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और बहुत अच्छे से आपका साथ देगा और बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ये पेड़ मोस्टली ऐसा पेड़ है कि जिसे मतलब बहुत ही रेयर केस में ये मरता है, नहीं ये पेड़ नॉर्मली नहीं मरता है। तो हमारा जो सॉइल मिक्सचर वो हमने मिक्स कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पॉट की बात कर लेते हैं कि हम इसके लिए कैसा पॉट सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको पॉट दिखा देता हूँ जो पॉट मैं लेने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्लास्टिक का ही काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट लिया है। तो आप प्लांटर का सिलेक्शन हमेशा प्लांट के अकॉर्डिंग करें कि कैसा आपका प्लांट उसमें लग रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो प्लांट है, अगर मैं इसे नॉर्मली भी अगर इसमें रखता हूँ तो भी ये कितना प्यारा लग रहा है इसके साथ। तो बस आप एक बार कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देख के प्लांट लगाएं जिससे जो आपका पेड़ है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये जो मैंने पॉट लिया है ये एक प्लास्टिक का पॉट है जो कि काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से बना हुआ है, तो ये जल्दी ही ख़राब भी नहीं होगा और वैसे भी हम इसे इंडोर में रखने वाले हैं तो ऑब्वियसली ये ख़राब होगा भी नहीं। तो हमने जो पॉट है उसकी भी बात कर ली है। अब जो हमारा सॉइल मिक्सचर है उसको हम हमारा जो प्लांटर है उसके अंदर भर लेते हैं। तो ये जो सॉइल मिक्सचर है इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको एक बार और हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे जो हमारा कंपोस्ट है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और सॉइल मिक्सचर बनाते टाइम आप एक बार जरूर ये जरूर ध्यान रखिए कि आप कंपोस्ट वगैरह उसमें फर्स्ट टाइम में अच्छे से मिलाएं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम पे अच्छे से मिट्टी प्रिपेयर करते हैं तो बाद में जो हमारा पेड़ है वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो नॉर्मली इसमें कोकोपीट और सैंड ऑलरेडी मिक्स थी इसलिए मैंने नहीं मिक्स किया। अगर आप नई मिट्टी यूज़ ले रहे हो
तो उसके अंदर आप कोकोपीट और सैंड जरूर मिक्स कीजिएगा। तो अब जो हम हमारी जो सॉइल मिक्सचर है उसको हम हमारे पॉट में भर लेते हैं। तो नॉर्मली मैं इसके अंदर ठीकरी या फिर ईंट के टुकड़ों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको आज को एक नई ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बिना ईंट के टुकड़े या फिर ठीकरी यूज़ किए भी अपने गमले को यूज़ कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली क्या कीजिए, उसके अंदर पहले नीचे थोड़ी मिट्टी भर लीजिए और एक बार उस मिट्टी को अच्छे से अपने हाथों से दबा लीजिए, मतलब जितने प्रेशर से आप दबा सकते हैं उसको अच्छे से दबा लीजिए, जिससे जो मिट्टी है उसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। अब जो हमारी मिट्टी है वो सेट हो चुकी है, अब हम इसमें सब बाकी की सारी मिट्टी भर लेते हैं। तो हमने जो हमारा प्लांटर है वो ऑलमोस्ट हाफ के समथिंग मिट्टी से भर लिया है। अब जो बाकी बची हुई सॉइल है उसको हम साइड में रख देते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, हमें जो हमारा प्लांट है उसमें इसको इस ग्रोइंग बैग से निकाल के और हमारे इस पॉट में लगाना है। तो नॉर्मली हम ग्रोइंग बैग को फाड़ के भी निकाल सकते हैं, या आप चाहो तो इसमें से वैसे भी निकाल सकते हो। अगर आप रूट्स इसकी नहीं ज़्यादा है बड़ी हुई है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, पर इसमें आप देख सकते हो नीचे तक रूट्स आई हुई है। तो अगर हम ग्रोइंग बैग नहीं फाड़ के अगर निकालेंगे तो जो हमारी रूट्स है वो डैमेज हो सकती है। तो आप इसके लिए थोड़ा बड़ा ही गमला लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ये प्लांट है इसकी जो रूट्स है वो अभी ये कितना छोटा प्लांट है और कितने नीचे तक इसमें आई हुई है, तो इसकी रूट्स है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो आप इसके लिए थोड़ा बड़ा ही गमला लीजिए। तो अब हम इसको लगा लेते हैं। वैसे इसकी अलग अलग वेराइटीज़ आती है, काफ़ी छोटी रूट्स वाली भी होती है जिनको आप काफ़ी छोटे पोट्स में भी लगा सकते हो और फिर उनकी पत्तियाँ भी काफ़ी छोटी होती है, तो वो इसमें वेराइटीज़ भी आती है। तो अब जो हमारा प्लांट है उसको हम एक बार सॉइल में लगा लेते हैं। तो जो हमारा रूट बॉल है उसको हमने इसमें रख दिया है, हमने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, जिससे हमारा जो प्लांट है वो ख़राब ना हो। क्योंकि नॉर्मली मैं ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के हिसाब से ही वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर हम बिगिनर्स हैं और हम अगर इसका रूट बॉल डिस्टर्ब करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम कैसे प्लांट को लगा रहे हैं, कैसे लगाना होता है और कैसे उसका रूट बॉल हटाना होता है। तो काफ़ी बार क्या होती है, रूट्स अगर डैमेज होती है तो हमारा जो प्लांट है वो मर जाता है। तो इसलिए आपको रूट बॉल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है और उसको बस आपको ऐसे नॉर्मली उसमें रख देना है अपनी सॉइल में, और साइड में से जो मिट्टी है उसको हल्का हल्का प्रेस कर देना है, जिससे जो एयर बबल है वो हमारी सॉइल में ना रहे। तो आप साइड में अच्छे से जो सॉइल है उसको भर लीजिए। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो आपको सॉइल मिक्सचर लेना है उसमें आपको इक्वल प्रिपोर्शन में लेना है, आपको जो कोकोपीट और सैंड है वो इक्वल रखनी है, और फिर जो सॉइल और जो कंपोस्ट की क्वांटिटी है उसको सेम रखना है। तो मतलब आपको दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, चारों चीज़ें जिसके अंदर आप लेंगे, कोकोपीट लेंगे, सैंड लेंगे और जो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो लेंगे, और जो हमारा कंपोस्ट है वो लेंगे। गाइस, जो हमने हमारा प्लांट है वो हमने लगा लिया है, अब हम वाटरिंग की बात कर लेते हैं। तो हमें जब भी हमें वाटरिंग करनी है तो ये तो थंब रूल होता है कि हमें जो हमारी वाटरिंग है वो ऐसे डालना है, पानी डालना है कि पानी है वो नीचे से निकल जाए। इससे क्या है, ये कन्फर्म हो जाता है कि जो हमारी रूट्स है वो सब रूट्स को पानी मिल चुका है। तो हम इसमें वाटरिंग की बात कर लेते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे इसमें कैसे वाटरिंग करनी है। वैसे तो एक बिगिनर्स के लिए प्लांट है तो इसमें कभी ज़्यादा पानी डल जाता है तो भी कोई इशू नहीं होता है, या फिर कभी जैसे पानी अगर आप डालना भी भूल जाते हैं एक दो दिन तो भी ये मैनेज कर लेते हैं, पर भी ये एक दो बार चलेगा। पर आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर बार इसका गमला भर दे रहे हो, मिट्टी गीली होने पर पानी डाल रहे हो, तो इतना ज़्यादा भी वो नहीं करता। तो आप बस एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपकी मिट्टी कब सूख रही है, जब आपको लगे कि हाँ आपकी सॉइल थोड़ी ड्राई हो रही है उस टाइम आप इसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि इसे बिल्कुल ड्राई सॉइल में रहना भी पसंद नहीं है और ज़्यादा एकदम सॉगी सॉइल में रहना भी पसंद नहीं है। तो आप जब भी इसकी सॉइल प्रिपेयर करें इस बात का तो ध्यान ही रखें कि आपकी सॉइल ज़्यादा सॉगी ना हो, और साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि जो सॉइल आपकी वो ज़्यादा ज़्यादा जल्दी ड्राई भी ना हो। तो बस जो वाटरिंग है इसका आप उसी हिसाब से ध्यान रखें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सनलाइट की। तो नॉर्मली ये ब्राइट लाइट से लेके नॉर्मल लाइट तक में भी रह लेते हैं, तो आप इसे ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ इसे नॉर्मली सूरज की एक दो घंटे की रोशनी मिले,
या फिर आप इसे प्रॉपर इंडोर भी रख सकते हैं, इसे इतना कोई इशू नहीं होता है। बस इसकी जो लीव्स का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, जैसे अगर आप इसे अच्छे से सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो जो इसकी लीव्स है वो घनी होती जाती है सेम जगह पे, और जैसे आप अगर इसको कम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो ये जो इसकी डंडी आप देख रहे हैं थोड़ी लंबी हो जाती है, और जो टॉप पे जाके ऐसी लीव्स आती है वो भी काफ़ी अच्छा लगते हैं। तो जिस तरीके से आप इसको चाहते हैं उस वैसे आप इसको सनलाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपका जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, तो सनलाइट का भी इसमें इतना कोई इशू नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब हम बात कर लेते हैं कीड़ों के बारे में। तो नॉर्मली हमारा जो ये सिंगोनियम है उसमें कीड़े थोड़ी ज़्यादा लगते हैं, जैसे आप मेरी लीव देख सकते हैं, मैं इसको नर्सरी से ही लेके आया था, तो ये लीव है वो खा रखी है कीड़ों ने, तो इसमें कीड़े थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो कीड़ों के लिए आपको मैंने परमानेंट सोल्यूशन बताया था, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें बस आप वही नॉर्मल नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। बस ध्यान इतना सा रखना है कि हमें शाम के टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करना है। तो शाम के टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करने के दो रीज़न्स होते हैं। जो फर्स्ट रीज़न होता है वो तो ये होता है कि जो हमारा प्लांट है वो दिन भर की गर्मी, दिन भर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अगर दिन में हम करते हैं तो हमारे जो प्लांट है उसको हार्म कर सकता है वो, और जो शाम के टाइम जो हमारे प्लांट है उसके ऊपर जो कीड़े हैं वो ज़्यादा अटैक करते हैं, तो शाम के टाइम जो कीड़े हैं वो एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम वो हमारे प्लांट पर आते हैं। तो जैसे ही आप स्प्रे करोगे तो साथ में जो कीड़े आ रहे हैं वो भी मर जाएंगे, तो इससे आपको डबल बेनिफिट होगा, एक तो कीड़े आएंगे नहीं और जो कीड़े ऑलरेडी इस पर थे या फिर आते हैं बाहर से वो भी मर जाएंगे, तो आपके दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएगी। तो शाम के टाइम स्प्रे करने का ये मेन रीज़न होता है। और बाकी आप मैंने जहाँ तक है आपको इसके बारे में सारे पॉइंट शेयर कर दिए, अगर फिर भी कोई पॉइंट अगर रह गया है जो मैं शेयर नहीं कर पाया हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगा अगर कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया है। हाँ, एक पॉइंट जो मैंने जानबूझ के छोड़ा है वो इसके प्रोपोगेशन का, क्योंकि अभी मैं आपको ऑब्वियसली करके नहीं दिखा सकता, मेरा खुद का प्लांट काफ़ी छोटा है। तो नॉर्मली इसका प्रोपोगेशन दो तरीके से होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये एक प्लांट है, अब जैसे इसमें से साइड में से पब्स निकलते जाते हैं तो उनको आप निकाल के प्रोपोगेट कर सकते हो, या फिर इसमें से एक ऐसे बेल निकलती है मनी प्लांट के जैसे, उसको भी आप कट कर करके उसके हर नोड के नीचे वो रूट्स होती है तो उससे भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हो, तो उसका जो प्रोपोगेशन है वो भी काफ़ी ईजी होता है। तो अब मैंने इसके सारे पॉइंट्स शेयर कर दिए, फिर भी अगर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो सिंगोनियम है वो अगर मर रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट आप कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, और अगर कोई ऐसा पॉइंट रहा है जो छूट गया है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो अगर आप गाइज आपको मेरा ये वीडियो और ये प्लांट अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ अपना प्यार बढ़ाते रहे जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स है वो भी बढ़ते रहे और हमारा चैनल है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे। थैंक यू।